चौतीसवा दिन थर्टी फोर्थ डे दस समय टाइम एक आपकी घड़ी में क्या बजा है वोट द टाइम बाय योर वॉच दो साढ़े सात बजे हैं। इट्स हाफ पास्ट सेवन तीन तुम कब उठते हो वेन डू यू वेक अप चार मैं रोज सुबह साढ़े छह बजे उठता हूँ आई वेक अप एवरी मॉर्निंग एट हाफ पास्ट सिक्स पाँच मेरी बहन लगभग आठ बजे नाश्ता करती है माई सिस्टर हैज अ ब्रेकफास्ट अराउंड एट ओ क्लॉक छह टीचर स्कूल में कब पहुँचती है वेन टीचर कम टू स्कूल सात नौ बजे से थोड़ा पहले अ लिटिल बिफोर नाइन आठ उसके स्कूल में पढ़ाई कब खत्म होती है वेन आर द क्लासेज ओवर इन हर स्कूल नौ सवा तीन बजे एट क्वार्टर पास थ्री दस आप रात का भोजन कब करते हैं वेन डू यू हैव योर डिनर ग्यारह साढ़े सात बजे एट हाफ पास्ट सेवन बारह मैं घर पौने चार बजे पहुंचता हूँ आई रीच होम एट क्वार्टर टू फोर तेरह इस वक्त तीन बजकर दस मिनट हुए हैं इट्स टेन पास्ट थ्री नाउ चौदह मुझे चार बजने से बीस मिनट पहले जाना है आई हैव टू लीव एट ट्वेंटी टू फोर आई हैव टू गो एट ट्वेंटी टू फोर आई हैव टू गो एट थ्री फोर्टी पंद्रह आपके पिताजी रात को घर में कितने बजे तक आ जाते हैं बाई टाइम डज योर फादर यूजली कम होम एवरी नाइट सोलह वे अपने दफ्तर से कितने बजे छुट्टी करते हैं एट वट टाइम डज ही लीव हिज ऑफिस सत्रह वे अपने दफ्तर से पाँच बजे छुट्टी कर लेते हैं ही leaves हिज ऑफिस एट five ओ क्लॉक ही his हिज ऑफिस five o'clock. ओ क्लॉक अठारह आज क्या तारीख है What's the date today? उन्नीस आज पंद्रह दिसंबर उन्नीस सौ है इट इज फिफ्टींथर नाइनटीन सेवेंटी सिक्स बीस तुम्हारा जन्मदिन कब होता है वेन इज योर बर्थ डे इक्कीस मैं नहीं जानता सर आई डोंट नो सर बाईस मेरी घड़ी रोज दो मिनट आगे हो जाती है माई वॉच गेंस टू मिनट डेली तेईस अपने समय का पूरा लाभ उठाओ मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम पृष्ठ एक सौ पाँच चौबीस अब उसे समय की कीमत पता लग गई है Now he values punctuality. Now he values time. Now he knows the importance of time. पच्चीस वो अपना समय बर्बाद करता है He wastes his time. छब्बीस वो एक एक मिनट का पाबंद है He is punctual to the minute. सत्ताईस समय कितनी तेजी से बीतता है How time flies. 28. मेरी घड़ी टूट गई है My watch has broken. 29. उठने का समय हो गया है इट इज टाइम टू वेक अप तीस उसे देर नहीं हुई है ही इज क्वाइट इन टाइम ही इज इंट लेट इकतीस वो ठीक समय आरोप आ गया ही केम एट द राइट टाइम बत्तीस आपको आधा घंटा देर हो गई है यू आर लेट बाई हाफ एन आवर तैतीस हमारे पास बहुत समय है वी हैव इनफ टाइम वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम चौंतीस करीब करीब आधी रात है इट इज ऑलमोस्ट मिड नाइट पैतीस हम बहुत जल्दी आ गए हैं वी आर टू अर्ली छीस आप बिल्कुल समय से आए हैं एक मिनट में मैं चला गया होता यू आर जस्ट इन टाइम आई वुड हैव इन मिनट। है अच्छे दिन आएंगे बेटर डेज विल कम गुड डेज आर अहेड। अड़तीस मैं तो एक एक क्षण बचाने की कोशिश कर रहा हूँ आई एम ट्राइंग टू सेव इच मोमेंट आई एम ट्राइंग टू सेव एवरी मोमेंट उनतालीस हर चीज का सही समय होता है देर इज अ टाइम फॉर एवरी थिंग चालीस क्या आप कुछ समय दे सकते हैं कैन यू स्पेयर अ लिटिल टाइम इकतालीस गया वक्त फिर हाथ नहीं आता टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन्ड ग्यारह अनुमति परमिशन एक शुरू करें डू वी बिगिन शुड वी बिगिन दो मैं चलू मे आई गो मे आई लीव तीन मैं भी चलू मे आई ज्वाइन यू मे आई ऑल्सो कम अलोंग। चार मुझे जाने दो लेट मी गो पांच अब आप जा सकते हैं यू मे गो नाउ यू मे लीव नाउ छ जाने की इजाजत दीजिए प्लीज परमिट मी टू गो नाउ प्लीज अलाउ मी टू गो नाउ सात क्या मैं टेलीफोन कर लू कैन आई यूज योर फोन आठ क्या मैं बिजली बंद कर दूं? कैन आई स्विच ऑफ द लाइट नौ क्या मैं तुम्हारी वीडियो गेम खेल सकता हूँ मे आई प्ले योर वीडियो गेम दस क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मे आई इन प्लीज ग्यारह क्या मैं अपनी पुस्तकें तुम्हारे पास छोड़ जाऊँ कैन आई लीव माई बुक्स विद यू बारह क्या हम तुम्हारे कमरे में सिगरेट पी सकते हैं कैन वी स्मोक इन योर रूम पृष्ठ एक सौ छह तेरह हाँ बड़ी खुशी से ऑफ कोर्स विद ग्रेट प्लेजर चौदह क्या आप मुझे अपनी कार पे ले चलेंगे विल यू प्लीज गिव मी अ लिफ्ट इन योर कार विल यू प्लीज टेक मी इन योर कार पंद्रह क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी साइकिल ले सकता हूँ मे आई बोरो योर बाइक फॉर अ वाइल सोलह क्या मैं आपको तकलीफ दे सकता हूँ कैन आई डिस्टर्ब यू सत्रह क्या मैं इस कमरे में ठहर सकता हूँ कैन आई स्टे इन दिस रूम अठारह क्या हम यहाँ थोड़ा सुस्ता लें? मे बी रेस्ट फॉर अ वाइल उन्नीस क्या मैं आज पिक्चर देखने जा सकता हूँ मे आई गो टू सी मूवी याद रखे रिमेम्बर प्रश्न दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं एक तो प्रश्नवाचक सर्वनामों, प्रोनाउंस की सहायता से, जैसे वट इज योर नेम प्लीज आपका नाम क्या है और दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया को वाक्य से पहले रखकर जैसे आर यू गोइंग क्या आप जा रहे हैं इस दूसरे तरीके का प्रयोग अंग्रेजी में होता है हिंदी में नहीं इसी प्रकार दूसरी सहायक क्रियाएं जैसे इज हैज will, शैल आदि को वाक्य में पहले रखकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जा सकते हैं जैसे is she अनवेल क्या वह बीमार है हैव यू अ पेन क्या तुम्हारे पास पेन है शैल वी गो क्या हम चलें? आदि आज्ञा मांगने के लिए अंग्रेजी में मे शब्द का प्रयोग होता है इसका ये अर्थ नहीं कि आज्ञा के लिए यही एकमात्र शब्द है कुछ और शब्द भी हैं जिनके द्वारा आज्ञा मांगी जा सकती है जैसे शैल वी सेट आउट नाउ क्या हम अब चल पड़े कई बार तो मे शब्द द्वारा मांगी हुई आज्ञा सही नहीं लगती है जैसे मान लीजिए कि आधी आ गई हो तो उसे देखते हुए मे आशा द विंडो न कहकर Should I shut the विंडो कहना सही व उपयुक्त होगा हिंदी में दोनों वाक्यों का अर्थ है क्या मैं खिड़की बंद कर दूं? पृष्ठ एक सौ सात